वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वेक्टर्स की। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए मास 2 किलोग्राम लाइज ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन एज शोन इन दिस फिगर। वी हैव टू रिजॉल्व इट्स वेट परपेंडिकुलर टू प्लेन। वी हैव टू फाइंड इट्स वेट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इंक्लाइनेड प्लेन। ऑलराइट, सो फर्स्ट इफ यू सी, जो हमारा ये इंक्लाइनेड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइनेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल पोजिशन। नाउ सपोज अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, इट इज लाइंग ऑन दिस प्लेन। तो अगर हम यहां से देखेंगे, इसका वेट जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। तो दिस इज वेट mg, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस प्लेन को, जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिस इज आर, वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास जो ये वेट है, इसको हमें रिजोल्व करना है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप, अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो ओ ए बी इज राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, बेस ओ बी और हाइपरन्यूज ओ ए। तो हमारे पास बेस ओ बी ओ ए कॉस थीटा के बराबर है। तो ये वाला है दिस कंपोनेंट। सो ओ बी, ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा, ओ ई किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे इसका दूसरा कंपोनेंट इस राइट ट्रायंगल में। तो इसी ट्रायंगल में आप निकालो साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ए बी और हाइपरन्यूज है ओ ई। सो ए बी किसके बराबर होगा, वो होगा ओ ओ ए साइन थीटा। ऑलराइट, तो यहां पे ए बी जो है ओ किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। सो हमारे पास ओ बी है एम जी कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा। तो सी से दिस इज एंगल 30 डिग्री, तो यहां पे कॉस 30 आएगा, यहां साइन 30 आएगा। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, एम जी कॉस 30, यहां पे है एम जी साइन ऑफ थीटा। ऑलराइट, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। तो हमें निकालना है, हमें कौन सा वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पे जो प्लेन है, ये प्लेन, इसका परपेंडिकुलर कौन है, एम जी कॉस थीटा। तो मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेट निकालना है, दैट इज एम जी कॉस थीटा। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्री। सो एम कितना है, 2 किलोग्राम्स, जी अप्रोक्सीमेटली 10। तो कॉस 30 किसके बराबर, कॉस 30 अंडर रूट 3/2। तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी 10 अंडर रूट 3 न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो हमने निकाला इसका कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास वेक्टर ए है, i+2j-3k, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, दिस इज द वेक्टर ए। एंड नाउ हमारे पास वेक्टर बी है, जो हमें ऐड करना है ए वेक्टर को। तो हमें आता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो वहां पे जो इनका रिजल्टेंट जब हम ऐड करते हैं, तो तब उनका एडिशन किसके बराबर आएगा, एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो सपोज मेरे पास वेक्टर ए है i+2j-3k। ऑलराइट, तो मेरे पास दूसरा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं, सपोज b1i+b2j+b3k। ऑलराइट, तो हम इनको ऐड करते हैं, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करते हैं। तो एडिशन उन्हीं कंपोनेंट्स को होगा जिनकी डायरेक्शन सेम है।
तो यहाँ पे आई कैप और इस वाले कंपोनेंट को ऐड होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका बी 1 है, तो 1 प्लस बी 1 टाइम्स आई, ऐसे आएगा प्लस 2 प्लस बी 2 टाइम्स जे, प्लस माइनस 3 प्लस बी 3 टाइम्स के कैप। तो ये हमारे पास आ गया इनका सम। अब इनका सम है सपोज अनदर वेक्टर सी वेक्टर, दिस इज ओनली आई कैप, जो इनका सम आएगा सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो सी वेक्टर के बराबर है, लेकिन हमें आता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो सी इज आई कैप। तो यहां पे आप देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है दिस इज ओनली आई कैप। तो हम इनके कंपोनेंट्स को हम यहां पे कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड हमारे पास है ए प्लस बी 1 प्लस बी 1 टाइम्स आई कैप, प्लस 2 प्लस बी 2 टाइम्स जे कैप, प्लस माइनस 3 प्लस बी 3 टाइम्स के कैप, इट इज जस्ट आई कैप, प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, अगर हम सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे इस यूनिट वेक्टर के। तो अगर हम कंपेयर करेंगे कंपोनेंट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बिकॉज दे आर इक्वल, तो हमें आएगा 1 प्लस बी 1, तो ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, क्योंकि i का यहाँ पे जो इस मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, ठीक है। तो आप कंपेयर करो इसके कोफिशंट्स, j के कोफिशंट्स 2 प्लस बी 2 के कोफिशंट 0 है, माइनस 3 प्लस बी 3 जो है इसका कोफिशंट भी 0 है, k कैप 0 k कैप। तो यहाँ पे क्या है आएगा हमें, यहाँ पे हमें अननोन वैल्यूज ऑफ b आएगी, तो b1 यहाँ पे 0 आएगा 1 माइनस 1, b2 आएगा माइनस 2, तो b3 यहाँ पे आएगा इट विल बी प्लस 3। तो b वेक्टर जो मेरे पास था b1i प्लस b2 j प्लस b3 k, तो किसके बराबर आएगा b1 किसके बराबर 0, 0 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। सो दिस इज द वेक्टर b इन टर्म्स ऑफ इट्स नोन वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, इट विल बी बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, दिस विल जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस इट विल बी फोर प्लस इट विल बी नाइन, सो इट इज मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 13। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर थर्ड, इफ द वेक्टर p इज a i कैप प्लस a j कैप प्लस 3 k कैप एंड वेक्टर q इज a i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमारे पास वेक्टर पी और वेक्टर क्यू हैं जो परपेंडिकुलर हैं यानी ऑर्थोगोनल हैं, तो हमें निकालना है ए का वैल्यू, जो यहाँ पे ए है इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री। अब हम इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखिए मेरे पास है p वेक्टर, इसको हम डॉट प्रोडक्ट करें q वेक्टर के साथ, तो मेरे पास आएगा p मैग्नीट्यूड q मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, cos ऑफ, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, दिस इज p वेक्टर, दिस इज सपोज q वेक्टर, तो एंगल कितने हैं 90, को cos 90 इज 0, तो इसका मतलब ये हो गया p वेक्टर डॉट q वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो p वेक्टर किसके बराबर है, ये है a i कैप प्लस a j कैप प्लस 3 k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है q से, a i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप। ऑलराइट, तो हम डॉट प्रोडक्ट को कर सकते हैं, आप i डॉट i किसके बराबर है 1 के बराबर, i डॉट j 0, i डॉट k k 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए आई है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए आई के साथ, बाकी जो टर्म्स रह गई उनके साथ डायमेंड इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो ए क्या आएगा ए स्क्वायर, आई डॉट इज वन, ठीक है। अब जे कैप और जे कैप को भी प्रोडक्ट होगा, दिस इज प्लस साइन, दिस इज माइनस साइन, दिस इज माइनस टू ए टाइम्स जे डॉट जे इज वन,
अगेन के को के कंपोनेंट के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, प्लस इन द माइनस थ्री यहाँ पे के डॉट के आएगा वन, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो। मेरे पास ये वाली आ गई ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस थ्री इज जीरो, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस थ्री ए प्लस ए माइनस थ्री इज जीरो, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए को कॉमन निकालते हैं ए माइनस थ्री आ गया, प्लस वन निकालो कॉमन ए माइनस थ्री आ गया, दिस इज जीरो, तो हमारे पास आएगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस थ्री इज जीरो। तो ए के वैल्यूज क्या होंगे, वो होंगे माइनस वन और प्लस थ्री। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ थ्री आई प्लस फोर जे अलॉन्ग आई प्लस जे। तो सपोज मेरे पास है वेक्टर ए जो है 3i प्लस 4j कैप, बी वेक्टर हमारे पास है i प्लस j कैप, तो हमें क्या करना है, a के कंपोनेंट्स निकालने हैं अलोंग b, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ सम a वेक्टर along some another b vector, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है a vector dot product करना है b cap के साथ। alright, components way along b vector, तो यहां पे देखिए b vector किसके बराबर होगा, b cap magnitude of b, तो b cap किसके बराबर है, b vector divided by magnitude of b। alright, तो हम निकालेंगे यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए और बी होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऑलराइट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, ए किसके बराबर है 3i प्लस 4j, डॉट प्रोडक्ट करेंगे i प्लस j के साथ आई कैप j के, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट विल बी 1 प्लस 1 दिस इज 2 अंडर रूट 2, तो इसका क्या आएगा 3 1 is 3, I dot I is 1 plus 4 divided by under root 2, so it will be 7 by under root 2, 7 by under root 2. Next, हमारे पास है find the angle between A vector, A vector किसके बराबर है 3i plus 4j और B vector के दरमियान, B vector है 12i plus 5j, तो हमें निकालना है इनके दरमियान angle, तो मेरे पास अगर vector A है सम और vector B है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। राइट, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो फिर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए किसके बराबर है 3i प्लस 4j, डॉट प्रोडक्ट विथ 12i प्लस 5j, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो कितना आएगा 25, इससे कितना आएगा 12 आएगा 144 प्लस 25, वो आएगा 169, तो कॉस थीटा इज 3 इंटू 12, आई कैप यहां पे है, आई कैप यहां पे है, 3 इंटू 12 विल बी 36 प्लस 4 इंटू 5 विल बी 20, राइट, इट विल बी 5, इट विल बी अंडर रूट 169, दैट विल बी 13, राइट, तो ये किसके बराबर आएगा, इट विल बी 56 ओवर 65, तो थीटा किसके बराबर आएगा, अगर हमारे पास है कॉस थीटा इज 56 ओवर 65, तो थीटा आएगा कॉस इनवर्स 56 ओवर 65, दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स। फाइनली हमारे पास लास्ट है, हमें निकालना है ए क्रॉस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, तो हमारे पास ए वैक्टर है आई माइनस टू जे प्लस फोर के, बी है टू आई माइनस जे प्लस टू की, तो हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली आप निकालो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके बराबर है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, यहाँ पे आई यहाँ पे जे यहाँ पे आप लिखो की, तो फिर पहले ए के कंपोनेंट्स हैं आई के कंपोनेंट्स 1 माइनस 2 और 4,
अब यहाँ पे टू वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखने हैं, टू माइनस वन टू, तो यहाँ पे हमें करना है इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आयत कंपोनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, जब आप ब्लैंक करोगे, जब हम ब्लैंक करेंगे इसका कॉलम और इसका रो, ठीक है, इसको हमें ब्लैंक करना है, तो हमने ब्लैंक कर दिया, सॉरी इसका कॉलम और रो ब्लैंक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ये माइनस टू फोर माइनस वन, इट विल बी टू। ऑलराइट, फिर हमें माइनस जे लिखना है, प्लस इसके लिए माइनस के लिए प्लस इसके लिए, ठीक है, जरूर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस जे, तो माइनस जे, फिर क्या बचा हमें, फिर हमें बचा वन फोर टू टू, फिर लास्ट पे हमें के कंपोनेंट लिखना है, प्लस के कंपोनेंट, और इसका हॉरिजेंटल वर्टिकली हम इसका कॉलम और रो ब्लॉक करेंगे, या इसको हम फिर देखेंगे यहाँ पे आएगा वन टू माइनस टू माइनस वन। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो आई कैप यहाँ पे आप प्रोडक्ट करो, माइनस टू इनटू टू दिस विल बी माइनस फोर। ऑलराइट, फिर फॉर्मूला का माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर। ऑलराइट, क्लोज, माइनस जे, टू वन इज टू माइनस फोर टू आर एट, प्लस के कैप, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, माइनस टू टू आर फोर माइनस फोर, यहाँ पे इसका फोर, यहाँ पे माइनस फोर, तो इट विल बी आई माइनस फोर प्लस फोर, माइनस जे इट विल बी माइनस सिक्स, प्लस के इट विल बी माइनस वन प्लस फोर, तो इट विल बी जीरो। सो हमारे पास आएगा जीरो आई प्लस सिक्स जे, यहाँ पे आएगा थ्री प्लस थ्री के, तो आंसर आएगा जीरो आई, इसको हम छोड़ सकते हैं, सिक्स जे प्लस थ्री के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन इट इफ यू विश। थैंक यू सो मच।